सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पाठ 12 तेज दुर्जन संसर्गम का बैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। मित्र सेना कस्मिन देशे नृपा आसीत? मित्र सेना निषद देशे नृपा आसीत। वने मित्र सेना कम अपश्यत? मृगम। कौ सहोद्रवास्ताम? सुको। कयो शीलम भिन्नम आसीत? सुकयो। किसके आचरण में भिन्नता थी? तो सुक दोनों तोते के बीच में, दोनों तोते के आचरण में अंतर था। स्थूल पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यू जो मोटे अक्षरों में दिया हुआ है यहाँ पर, उससे क्या करना है आपको? प्रश्न का निर्माण करना है। यूयो आचरणे भिन्नता अस्ति, तो यहाँ यूयो के जगह में क्या डाल देंगे? कयो आचरणे भिन्नता अस्ति, किसके आचरण में भिन्नता है। यहाँ पर क्या अर्थ हो रहा है? यूयो आचरणे भिन्नता अस्ति, तुम दोनों के आचरण में भिन्नता है, अंतर है। और यहाँ पर क्या? कयो आचरणे भिन्नता अस्ति, किसके आचरण में भिन्नता है, अंतर है। एकदा राजा वनम अगच्छत, एकदा कह वनम, राजा सुना तो एकदा कह वनम अगच्छत, एक बार कौन वन गया। एका आश्रम आसीत, एका कह आसीत। आर्याय शीतलम जलम आनय, कस्मै शीतलम जलम आनय, किसके लिए शीतल जल लाऊं, ऐसा है ना। अहम तेषां वचनानि शृणोमि, अहम केषां वचनानि शृणोमि, कि तेषां के जगह में केषां, यहाँ पर आर्याय के जगह में कस्मै और आश्रमा के जगह में कह और राजा के जगह में कह, यूयो के जगह में कयो, इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड किया था, ग्रामर पढ़ाया था, तो उसको भी आप लोग वाच करिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। मृगम द्वितीय एक वचन, वृक्ष षष्ठी एक वचन, संगते पंचमी एक वचन, आखिटाय चतुर्थी एक वचन, आश्रमे सप्तमी एक वचन, मुनि भी तृतीय बहुवचन, सुकस षष्ठी एक वचन। इसम पदस्य प्रयोगम कृतो वाक्यानि पुनः लिखत, इसम का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो वृक्षे सुखा तिष्ठत, वृक्षे सुखा तिष्ठति इसम। निषद्दे के देशे एकः नृपः वसत, निषद्दे से एकः नृपः वसति इसम। सह नकुलम पुत्रवत पालयत, सह नकुलम पुत्रवत पालयति इसम, अपालयत का पालयति इसम। आश्रमे मुनिया वसन, आश्रमे मुनिया वसन्ति इसम, ये बहुवचन है ना, तो इसलिए वसंती इसमें हुए। यहाँ पर निपा आकिटाय वनम गच्छत, निपा आकिटाय वनम गच्छति इसम। तो यहाँ पर बच्चों इसम का पद का प्रयोग किए हैं। देखिए जैसा तिष्ठत तो तिष्ठति इसम, औसत है एक वचन का इसलिए वसति इसम, अपालियत ये भी एक वचन है इसमें पालियति इसम, अवसन बहुवचन इस वसंती इसम, और अगच्छत तो ये भी एक वचन है इसलिए गच्छति इसम। ठीक है, ये पास्ट में दिए उसको इस रूप में कन्वर्ट किए इसम वाला में, तो ऐसा जो है आप लोग परिवर्तन करोगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है। तो प्रहरत प्रहरत किसने कहा, कह कथयति सुकह, कम प्रति कथयति किससे कहा, निपह। कथम यूयो आचरणम भिन्नता अस्ति, कह कथयति निपह किसने कहा, राजा ने। एन कम प्रति कथयति सुकह तोते के लिए कहा। स्वरचित वाक्येषु प्रयोगम कुरु, यशीतलम तो अपने से आपको जो वर्ड दिया है शब्द दिए उसे वाक्य के वाक्य का प्रयोग करना है। तो शीतलम तो अहम शीतलम जलम पिबामि। सुख वृक्षे एका सुखा अतिष्ठत, अहम पाठम पठामि। अवदत सुख, अवदत में क्या हो जाएगा, सुख अवदत प्रहरत प्रहरत, सुख तोता बोला, सुख अवदत प्रहरत प्रहरत। और वचनानी सह परुषाणी वचनानी वदती, वह कठोर वचन बोलता है। इस प्रकार से बच्चों, तो ये तो आप अपने आप से भी और अन्य शब्द इससे बना सकते हो। तो ये रहा आप लोगों का एक्सरसाइज, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।